अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली। तो जी आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है कि अच्छे होंगे। जैसा कि सुबह सुबह का वक्त है और ये गुड मॉर्निंग मेरी काफ़ी अच्छी हो रही है, अच्छी धूप निकली हुई है और बहुत अच्छा है। मैं देख सकती हूँ मैं कितने ज़्यादा नींद में थी। फिर गाइस मैं ब्रेकफास्ट की तैयारी कर रही थी और ब्रेकफास्ट में ये सब्ज़ियाँ मैंने चॉप करके रखी थी और गोभी आलू ये सारी चीज़ों की मैं बन कर रही थी सब्ज़ी। और सबसे अहम जो बात है मैं आपको आज बताना चाहती हूँ, ये स्प्राउट। स्प्राउट जो होता है वो आप लोग हाईली प्रोटीन के लिए यूज़ कर सकते हैं। जिस किसी को भी अगर हाईली प्रोटीन चाहिए होगा डाइट में तो प्लीज़ आप लोग ये चीज़ ज़रूर से ज़रूर ट्राई करिएगा, ये काफ़ी फ़ायदेमंद है। और गाइस फिर ये मैं आप लोग को दिखा रही हूँ, आप लोग को लग रहा होगा ये लेमन है मैंने, बट ये ऐसा नहीं है, ये है मैंगो। और इस सीज़न में जो मुझे मैंगो मिला है वो मैंने कहा चलिए आप लोग को दिखाती हूँ। तो मुझे एकदम गोल गोल शेप का देख रहे हैं ना, ये हमको मैंगो मिला था। मैं मार्केट गई थी जब, फिर गाइस मैंने ये मार्केट से ये बेडशीट ली थी जो कि काफ़ी प्यारी लग रही है और एकदम प्योर कॉटन की है। ये आप लोग पास से देख सकते हैं, इसके जो किनारे किनारे साइड का ये जो बॉर्डर है वो कुछ इस तरह से आ रहा है, जैसा कि बहुत प्यारा लग रहा है। और ये चादर जो प्योर कॉटन की होती है काफ़ी कंफर्टेबल रहती है आराम से। और ये इसका पिलो है, पिलो पे भी वैसे डिज़ाइन है और ठीक ऐसे ये मैंने सेकंड चादर भी ली थी। तो ये जो सेकंड चादर है ये भी इसका ये बॉर्डर है और इसकी जो फैब्रिक है वो एकदम प्योर कॉटन की है, आप लोग देख सकते हैं। और जब हम बेड पे प्योर कॉटन का बिछाते हैं ना तो काफ़ी कंफर्टेबल होता है, वो इधर उधर सरकता नहीं है। और ये इसका तकिया ग्लाफ है, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं तकिया कवर, ये काफ़ी प्यारा लग रहा है। Rana Rana Ranu Rana आने के लिए मेरा ये फाइनल हो गया। तो इसका फाइनल लुक गाइस मैं निकल रही थी मार्केट जाने के लिए, कुछ सामान लेना था मुझे घर के लिए। तो गाइस आप देख सकते हैं थोड़ा बहुत पानी बहता, फिर मैं वहाँ से जब आई तो फिर मैं यहाँ की क्लीनिंग करने लगी थी जो कि काफ़ी ज़्यादा गंदा था और मुझे यहाँ पर कपड़े जो धुले हुए थे वो फैलाने थे। तो उससे पहले मैं यहाँ की क्लीनिंग कर रही थी, अच्छे से डस्टिंग कर रही थी। तो गाइस मैं इसको अच्छे से साफ़ कर रही थी। तो गाइस जिन लोगों ने अभी तक के मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से जाके सबसे पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन ऑन करें और अच्छे अच्छे से कमेंट्स करें। और इसी तरह मेरी वीडियो में बने रहिएगा देखने के लिए कि मैं आगे क्या क्या करती हूँ। सो गाइस तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो था इम्पोर्टेंट सफाई करना, तो मैं वो वही कर रही थी अच्छे से यहाँ की। और यहाँ पर क्या कहते हैं खुला है तो और ही ज़्यादा गंदा हो जाता है, सो मैं जल्दी जल्दी कर रही थी। फिर गाइस अब बारी थी यहाँ की, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कितना ज़्यादा गंदा था और इतना ज़्यादा गंदा था कि मुझसे खड़ा भी नहीं होया जा रहा था कि मैं कैसे जाके करूँ। खैर मैंने ये सारे कपड़े वॉश करके उधर फैला दिए थे क्योंकि उतना एरिया मैंने साफ़ कर दिया था। फिर मुझे अब यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो टैब है इसमें कितना ज़बरदस्त का जंग लगा हुआ है और आप लोग सोच रहे होंगे ये क्लीन नहीं होगा इतनी जल्दी इतनी आसानी से,
पर फिर भी कोई बात नहीं, ये देखिए मैंने अपने पिछले व्लॉग में डाला था कि मैं किस चीज़ से साफ़ करती हूँ जंग लगा हुआ, तो जिन्होंने मेरी पुरानी वीडियोस देखी होगी उन्हें पता होगा मैं किस चीज़ से साफ़ करती हूँ। तो आप लोग देख रहे हैं कि हाँ मैं कितने हल्के हल्के हाथ से इस पे खाली लगा रही हूँ और ये बस साफ़ होता ही जा रहा है। तो गाइस सच में बहुत कमाल की ये ट्रिक है, मुझे आती है तो काफ़ी अच्छा लगा और ये ट्रिक मैंने ही निकाली थी सोच के कि चलो ट्राई करते हैं, तो खैर अल्लाह के शुक्र से काफ़ी अच्छे काम आई। और ये जंग लगी चीज़ें जो इतनी आसानी से साफ़ नहीं होती वो बहुत आसानी से साफ़ होने लगी, आप लोग देख सकते हैं कि हाँ ये कितनी अच्छे से साफ़ हो रही है, साथ साथ में ये शाइनिंग भी कर रही है, चमक भी रही है, तो बहुत अच्छा लग रहा है कि हाँ बिल्कुल न्यू जैसा एकदम लुक इसका आ रहा है। फिर गाइस मैं इसे अच्छी तरीके से मल रही थी और आप लोग देख सकते हैं कि हाँ बस इसमें जैसे है अच्छे अच्छे से हल्के हाथ को लगा कर हर तरफ से सफाई करनी पड़ती है। और गाइस घर की सफाई करने के लिए बहुत सी ऐसी चीज़ होती हैं, बहुत सी ऐसी ट्रिक होती है जो आप लोग को भी पता होगा, शायद मुझे नहीं पता होगा, तो गाइस प्लीज़ अगर ऐसा कुछ होगा तो मुझे ज़रूर बताइएगा मेरे कमेंट बॉक्स में। फ़िलहाल मैं जो आपको दिखा रही हूँ ये शायद किसी ने कभी किया नहीं होगा, लेकिन हाँ मैंने किया है ये ट्राई। तो गाइस मैं इसे अच्छी तरीके से, ये देखिए इसका फाइनल लुक, और ये एकदम टैब नहीं कि नहीं जैसी लग रही है, इसका वाकई में बहुत ही अच्छा लुक है, काफ़ी अच्छा है। और अब मैं आपको फाइनली यहाँ की क्लीनिंग दिखा रही हूँ। माशाल्लाह से इतना साफ़ हो गया यहाँ पर कि लग ही नहीं रहा था कि हाँ इतना कभी डस्ट भी था। तो गाइज आप लोग को मेरी क्लीनिंग कैसी लगी प्लीज़ मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि हाँ आज के ब्लॉग में जो मैंने आपको क्लीनिंग करके दिखाई है यहाँ की बालकनी की वो कैसी लगी, और जो मेरा टैप था वो भी मैंने आपको दिखाया किस तरीके से मैंने क्लीन किया है, बाकी ये सारी चीज़ें मैंने सब क्लीन कर दी है। और मैं आप लोग को चलिए फिर से एक बार दिखा देती हूँ पास से टैब। तो गाइस ये रहा मेरा टैब जो कि चमाचम चमक रहा है और वो काफ़ी अच्छा ही लग रहा है, ये पास से आप लोग देख सकते हैं। फिर गाइस जो मैंने बेडशीट ऊपर बिछाई थी वो मैंने नीचे शिफ्ट कर दी थी और नीचे इस तरह से कुछ लुक आ रहा था, ऊपर मेरे बेड का इस तरीके से लुक आ रहा था, तो माशाल्लाह वाकई में काफ़ी प्यारा लग रहा था। और ये है मेरी सेकंड चादर का लुक जो कि काफ़ी प्यारा लग रहा है। गाइज ये रहा मेरा शाम का डिनर, डिनर में मैं पनीर की सब्ज़ी बना रही थी और साथ ही गर्मा गर्म ये जलेबी लाई हुई थी खाने के लिए मैं, जो कि काफ़ी यम्मी लग रही थी और खूब गर्मा गर्म ये जलेबी थी जो कि इसका टेस्ट ना वाकई में काफ़ी अच्छा लग रहा था, और गर्म गर्म जलेबी का टेस्ट तो काफ़ी अच्छा होता है। और ये रहा शाम का बहुत खूबसूरत व्यू जिसके साथ मैं अपने ब्लॉग को एंड करती हूँ। इंशाल्लाह आप लोग से जल्दी मैं नेक्स्ट ब्लॉग में मिलूँगी, तब तक दुआओं में याद रखिएगा। बाय बाय।